लव जिहाद, इसी से जोड़कर देखा जा रहा है तनिष्क के विज्ञापन। तभी सोमवार की रात तक करता रहा ट्रेंड बॉयकॉट तनिष्क। लोग तनिष्क को ही बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो उसने अपना नया विज्ञापन निकाला उससे लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई। लोगों को आपत्ति इस बात की है कि ज्वेलरी बेचने वाली बहुचर्चित ज्वेलर कंपनी तनिष्क ने 9 अक्टूबर को अपना एक गाना रिलीज किया, जिसमें एक हिंदू गर्भवती महिला की गोद भराई की रस्म मुस्लिम परिवार की होने के बाद भी दिखाई जा रही। इस विज्ञापन में दिखाया गया है कि एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम परिवार में ब्याही और गर्भवती महिला को वहाँ हिंदू रीति रिवाजों की तरह गोद भराई की रस्म के लिए सजाया सवारा जा रहा है। इंटरफेथ कपल को दिखाए जाने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। वीडियो में महिला जो दिखाई दे रही है वो पारंपरिक साड़ी पहने, बिंदी और गहने पहने हुई, जिससे उसके हिंदू होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। जबकि और जो परिवार के सदस्य दिखाए जा रहे हैं, उसकी सासू माँ एक मुस्लिम परिवार से दिखाई जा रही, उन्होंने बिंदी नहीं लगाई। परिवार के लोग हिंदू लड़की को सरप्राइज देने के लिए बगीचे में ले जाते हैं। बैकग्राउंड में दीप मालाएं और नटराज की प्रतिमा भी है। परिवार में शामिल एक बुजुर्ग भी फंक्शन की तैयारी में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। लोगों का गुस्सा इस बात पर फूटा है कि जिस तरह से एक हिंदू लड़की को मुस्लिम परिवार में ब्याहने का विज्ञापन तनिष्क ने आसानी से दिखा दिया, क्या एक मुस्लिम परिवार की लड़की का एक हिंदू परिवार में ब्याहना तनिष्क दिखा पाता? लोगों ने तनिष्क का लव जिहाद को बढ़ावा देने के आरोप के चलते बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, जो ट्विटर पर ट्रेंड कर गया। इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने भी ट्वीट किया है और तनिष्क का बॉयकॉट करने का समर्थन किया। वहीं अपनी हर बात को बेबाकी से रखने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी बॉयकॉट तनिष्क का समर्थन किया। अनिमा सोनकर के इस ट्वीट को रिट्वीट कर कंगना ने इस विज्ञापन को बेहद ही शर्मनाक करार दिया। उन्होंने लिखा है कि कॉन्सेप्ट में ज्यादा दिक्कत नहीं है, दिक्कत है विज्ञापन को बनाने वाले में। दिखाया गया है एक भयभीत सी सहमी सी हिंदू लड़की ने अपने विश्वास की स्वीकृति के लिए अपने ससुराल वालों से अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। आप लोगों के यहाँ तो ये सब होता नहीं, क्यों? क्या वो घर की महिला नहीं है? वो उनकी दया पर क्यों रह रही? अपने ही घर में इतनी नम्र और डरपोक क्यों दिखाई गई? बेहद शर्मनाक। कोई इस विज्ञापन को लव जिहाद से जोड़ रहा है तो कोई इसे एंटी हिंदू करार दे रहा है। लोग लगातार तनिष्क से अब कुछ भी नहीं खरीदने पर अड़े, ब्रांड को ही बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर लोग लगातार अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। आपका इस विज्ञापन के बारे में क्या ख्याल है? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि एक हिंदू लड़की को मुस्लिम परिवार में एडजस्ट करते हुए दिखाया जाना मुमकिन है, लेकिन एक मुस्लिम लड़की को हिंदू परिवार में एडजस्ट होता किसी भी विज्ञापन में दिखाना किसी भी ब्रांड के लिए नामुमकिन? तनिष्क ज्वेलरी के इस विज्ञापन को देखने के बाद आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।